फाइनली हमारा एगुजे तैयार है। बहुत मेहनत लग गई यार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो जैसे आपने पूरे दिन आपने देख लिया है, हमने मेडिटेशन कर लिया, हमने खाना बना लिया, और दिन भर आपको जो मन करे आप कर सकते हैं। आप घर पे हैं, ऑफिस का काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, या कुछ नहीं है तो सो जाइए। चलिए, खाना पीना हो गया, ऑफिस का काम हो गया, बच्चों के साथ खेल कूद कर लिया, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट काम, अपनी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी एक्टिविटी कीजिए। अगर आप स्ट्रांग हैं तो कोरोना तो आपको छू भी नहीं सकता। जैसे अभी तक हम लोग देख ही रहे हैं, कोरोना से अभी तक वही लोग बचे हैं जिसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। और हमारा इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ता है? हम अच्छा खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे सही टाइम पर खाना, सही टाइम पर सोना, सही टाइम पर उठना, और सही टाइम पर एक्सरसाइज करना। तो आजकल हम घर पे हैं, तो आइए आपको कुछ एक्सरसाइज दिखाता हूँ जो आप घर पे इजीली बिना किसी इक्विपमेंट्स के आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, आपको आज मैं 5 एक्सरसाइज बताऊँगा जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली पढ़ सकते हैं। कितने सेट्स करने हैं, कितने टाइम का ड्यूरेशन रहेगा, सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा रहा? ये थी हमारी 5 एक्सरसाइजेस जिसको आप इजीली अपने घर पे कभी भी किसी भी टाइम पे बिना किसी एक्सपर्टीज के आप कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइज को करने के लिए आप किसी भी इक्विपमेंट्स की, किसी वेट ट्रेनर्स की, किसी भी वेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी अभी भी एक एक्सरसाइज बाकी रहती है जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। चलिए आपको दिखाता हूँ। और यह है मेरी लास्ट डेली एक्सरसाइज, रनिंग, सिर्फ 5 किलोमीटर। ये आप रोज कीजिए, घर पे इससे बेटर कुछ नहीं। और हाँ, कल से रोज 5 किलोमीटर दौड़ने मत लग जाना। अगर दौड़ने स्टार्ट करना है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ। ओके, सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि आपको इतना बताना है कि घर बैठ के अपना टाइम वेस्ट ना करें, जितना हो सके इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। एक्सरसाइज कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, भगवान का ध्यान लगाइए, कोई बुरी बात नहीं है। आप स्वस्थ रहेंगे, आपके परिवार वाले स्वस्थ रहेंगे, यही मेरी आशा है। चलिए गाइस, इस एपिसोड को यहीं पर फिनिश करते हैं, और आई होप आप लोग जो जो मैंने बताया वो आप फॉलो करेंगे। एट लास्ट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हेल्थी रहिए, सेफ रहिए। Stay home, stay safe.